एवरीवन, मैं सुकृति चतुर्वेदी, आपकी बायोलॉजी टीचर विश्वगुरु क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जैसा कि आपके चल रहे हैं फाइलम, संग चल रहे हैं जंतु जगत में। कल मैंने आपको पढ़ाया था आपका दूसरा फाइलम सीलेंट्रेटा या निडेरिया। आज मैं आपके दो फाइलम कवर करूँगी, क्योंकि क्लास ज़्यादा छोटी हो जाती है तो मुझे लगता है कि एक दिन में ये दो फाइलम आज हो सकते हैं कंप्लीट, है ना। तो देखिए, पहला है आपका प्लेटी हेलमिन्थीस और दूसरा है एसके हेलमिन्थीस। मैंने जब आपको चैप्टर पढ़ाया था तो पढ़ाया था कि इवोल्यूशन और क्लासिफिकेशन में संबंध होता है। जैसे जैसे इवोल्यूशन होता जाता है वैसे वैसे जीवों में विविधता आती जाती है, और उस विविधता को सही से जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं। तो ये जो आपके फाइलम है ये क्यों बनाए गए, क्योंकि धीरे धीरे क्या होता है, सरल जीव से जटिल जीव बनते जा रहे हैं ना। तो उसके आधार पर हमने क्या किया है, जीवों को अलग अलग फाइलम में बांट दिया है, तो हमें इससे क्या है, पढ़ने में आसानी रहती है। तो जैसा कि पॉलीफेरेंस में कोई सिमेट्री नहीं थी, और कल मैंने आपको सीलेंट्रेट्स पढ़ाए थे उनमें क्या था, रेडियल सिमेट्री थी, है ना, त्रिज सममिति थी, वैसे ही आज क्या होगा, आपके प्लेटी हेलमिन्थीस और एसके हेलमिन्थीस में क्या हो जाएगा, बाइलेटरल सिमेट्री आ जाएगी, द्विपार्श्व सममिति आ जाएगी, ठीक है। और सीलोम इनमें भी नहीं होगी, सीलोम का निर्माण नहीं हुआ है अभी तक। और क्या हो जाएगा, अभी तक आपने वो दोनों फाइलम पढ़े थे उनमें क्या था कि जर्म लेयर्स दो थी, डिप्लोब्लास्टिक थे, लेकिन अब क्या होगा, इनके जो एनिमल्स होंगे वो ट्रिप्लोब्लास्टिक हो जाएंगे, उनमें तीनों जर्म लेयर्स पाई जाएंगी। जब मैंने आपको जर्म लेयर्स पढ़ाई थी तो मैंने लिखवाया था कि इक्टोडर्म से क्या बनता है, मीजोडर्म से क्या बनता है और इंडोडर्म से क्या बनता है। तो एक्टोडर्म से क्या बनता है, आपका बाहरी आवरण बनता है ना, नेल्स हैं, आपके हेयर्स हैं, ये सब चीज़ें। और आपकी जो इंडोडर्म होती है उससे आपके जितने भी ऑर्गन होते हैं उनकी लाइनिंग होती है ना। और मीजोडर्म से क्या होता है कि ऑर्गन्स बनते हैं। तो मैं ये आपको इसलिए बता रही हूँ कि मैंने क्या बोला, इसमें तीनों लेयर्स आ जाएंगी, तीनों लेयर्स आएंगी। इसका मतलब अभी तक सब में क्या था, इक्टोडर्म थी और इंडोडर्म थी, मीजोडर्म नहीं थी। अब क्या होता है, मीजोडर्म आ गई है तो किसका निर्माण होगा, ऑर्गन्स का। अभी तक दो फाइलम जो पढ़े हैं उसमें क्या हुआ है कि पहले में तो था सेल्यूलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन और सीलेंट्रेट में था टिश्यू लेवल, लेकिन अब मीजोडर्म आ गई है तो क्या बन जाएंगे, ऑर्गन। तो ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन इसमें हो जाएगा, ठीक है ना। ये इनके बेसिक कैरेक्टर थे, या जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन था वो था ये, ठीक है, उसके लक्षण थे। अब आते हैं इसके नेम के डेरिवेशन पे, कि आखिर आपको नाम से सबसे पहले आप क्या है, आपको मैंने नाम बोला प्लेटी हेलमिन्थीस, तो आपको थोड़ा लग रहा होगा कि प्लेटी का मतलब क्या है। प्लेटी से मतलब है, एक लोकल लैंग्वेज में मैं आपको बता रही हूँ, प्लेट। आपने प्लेट देखी है अपने यहाँ, कैसी होती है, चपटी होती है ना, तो इसका भी मतलब वही है, प्लेटी का मतलब चपटे, कैसा, फ्लैट, ठीक है, फ्लैट। और जो हेलमिन्थ होते हैं, हेलमिन्थ को क्या बोलते हैं, बर्म या कृमि, क्या बोलेंगे, हेलमिन्थ को क्या बोलेंगे, हेलमिन्थ को बोलेंगे कृमि, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बर्म, यानी कि चपटे कृमि। कैसे होते हैं ये, चपटा मतलब रिबन लाइक, आपने रिबन देखा है, फीता देखा है जो हम लोग बांधते हैं बालों में, वो कैसा होता है, चपटा होता है, यानी कि डोर्सल यानी आगे तरफ और वेंट्रल पीछे तरफ दोनों तरफ फ्लैट होता है, तो ये डोर्सो वेंट्रली फ्लैट होते हैं, चपटे होते हैं, कैसे होते हैं, चपटे होते हैं। और इनके भी अधिकांश जीव कैसे होते हैं, परजीवी होते हैं, लेकिन एक एक्सेप्शन है, प्लेनेरिया, क्या है, प्लेनेरिया,
प्लेन एरिया कैसा है आपका? परजीवी नहीं है, स्वतंत्र जीवी है, फ्री लिविंग। क्या है ये? फ्री लिविंग, फ्री लिविंग। और आपके इसमें एग्जाम्पल आते हैं फैसियोला, फैसियोला क्या बोलेंगे? लिवर, लिवर फ्लूक, लिवर फ्लूक। और टेप बर्न, टेप बर्न मतलब चपटा कृमि, है ना, टीनिया सोलियम, है ना, चपटे कृमि। क्या बोलेंगे? चपटे कृमि। फैसियोला आएगा आपका इसमें, और सिस्टोसोमा आएगा, क्या आएगा? सिस्टो, सिस्टोसोमा। प्लेनेरिया, फैसियोला और सिस्टोसोमा, ठीक है। और मैंने क्या बोला था? फीता कृमि, टेप बर्म, क्या बोलेंगे इसको? फीता कृमि, टेप बर्म। ये दोनों आपको कुछ कुछ मिलते जुलते लग रहे होंगे, फीता कृमि और चपटे कृमि। तो मैंने आपको बताया चपटा क्या है, फीता। तो इसका एक एग्जाम्पल आप इसी तरीके से याद कर सकते हैं कि रिबन लाइक बॉडी होती है इनकी, कैसी होती है? रिबन लाइक, यानी कि फीते के जैसी। तो इसका एक एग्जाम्पल क्या हो गया? फीता कृमि, जिसको बोलते हैं टेप बर्म। अब ये परजीवी हैं तो इनमें कुछ तो स्पेशल फीचर्स होंगे। तो इनका स्पेशल फीचर्स होता है कि इनके माउथ के, इनका ये है माउथ, मैं आपको ये बताई दे रही हूँ किसका, फीता कृमि का, टेप बर्म का। ये इसकी हो गई नेक और ये इसकी हो गई बॉडी। कीड़े ऐसी बॉडी होगी तो कृमि है ना, मैं रफली बता रही हूँ। तो इनके मुंह के, मुंह पे क्या होती हैं? सकर्स होती हैं और हुक होते हैं। क्या होते हैं? हुक। रफली बता रही हूँ क्योंकि ये परजीवी हैं तो इनके मुंह के यानी माउथ के चारों ओर सकर्स होती हैं और हुक्स होते हैं। सकर्स को बोलते हैं चूसक, चूसक और कांटे। हुक का मतलब क्या होता है? कांटे, कांटे और चूसक होते हैं। चूसक क्यों होते हैं? किसी भी परजीवी पर जाएंगे, उससे हुक की सहायता से ये अटैच हो जाएंगे और क्या करेंगे? चूसक, चूसक की सहायता से, सकर्स की सहायता से उससे न्यूट्रिशन ले लेंगे, ठीक है। तो ये परजीवी होते हैं और इनका स्पेशल फीचर क्या है? इनमें सकर्स व हुक्स पाए जाते हैं। ये चपटे होते हैं डोर्सोवेंट्रली और इनमें सीलोम नहीं होती है, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। और इनमें ऑर्गन लेबल ऑर्गेनाइजेशन होता है। एक स्पेशल फीचर क्या होता है कि ये जब इनमें ऑर्गन्स बन गए हैं तो इनमें कौन से ऑर्गन्स बन जाते हैं आपके? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। तो इनमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं लेकिन इनमें क्या होती है? सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म नहीं पाई जाती है, लैंगिक द्विरूपता। अब आपके लिए नया वर्ड है, लैंगिक द्विरूपता क्या होती है? जैसे कि ह्यूमन होता है, आप देख के पहचान सकते हैं कि कौन मेल है और कौन फीमेल है। ऐसे लक्षण जो मेल और फीमेल में अंतर स्पष्ट करते हैं वो लक्षण क्या होते हैं? लैंगिक द्विरूपता वाले लक्षण। उन्हीं से क्या दिखती है हमको? दूर से दिख जाता है कि ये मेल है और ये फीमेल है। तो इनमें सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि जैसे आपका ये एक फैसियोला है, मान लिया फैसियोला कुछ ऐसा दिखता है, फैसियोला। और फैसियोला में क्या होता है? हर्माफ्रोडाइट होता है। कैसा? हर्माफ्रोडाइट। ये भी आपके लिए नया वर्ड है। हर्माफ्रोडाइट का मतलब होता है मेल एंड, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट इन सेम बॉडी। यानी कि जब नर जननांग और मादा जननांग एक ही शरीर में होते हैं तो ऐसे जंतुओं को हर्माफ्रोडाइट यानी कि उभयलिंगी। हर्माफ्रोडाइट का मतलब क्या होता है? उभयलिंगी, उभयलिंगी या द्विलिंगी,
द्विलिंगी जंतु कहते हैं। अब आपसे क्वेश्चन अगर पुटअप किया जाएगा कि हर्माफ्रोडाइट या बाई सेक्सुअल द्विलिंगी को क्या बोलेंगे, बाई सेक्सुअल, उभयलिंगी यानी हर्माफ्रोडाइट या द्विलिंगी बाई सेक्सुअल एनिमल से क्या समझते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा कि ऐसे जीव, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें नर व मादा जननांग एक ही शरीर में होते हैं, उन्हें हम उभयलिंगी या द्विलिंगी जंतु कहते हैं। तो आपके प्लेटी हेलमिंथीज कैसे हो गए हैं, हर्माफ्रोडाइट हो गए हैं, मोस्टली परजीवी हैं। तो जैसा कि मैं आप लोगों को बता चुकी थी आपका थर्ड फाइलम प्लेटी हेलमिंथीज के बारे में, तो अब देखिए उसको एक बार नोट कर लेते हैं और रिवाइज कर लेते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि प्लेटी हेलमिंथीज का जो मीनिंग है, मतलब है, वो होता है चपटे क्रमी। प्लेटी का मतलब होता है चपटे यानी कि फ्लैट, फ्लैट से मतलब होता है रिबन लाइक। इनकी बॉडी कैसी होती है, रिबन लाइक होती है, जो डॉर्सल और वेंट्रल दोनों एक जैसी होती है, ठीक है। तो इनके बर्ड, इनके जो फाइलम की नेम का मीनिंग हो गया ये। अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने आज आपको बताई है, वो मैंने इस तरीके से बॉक्स में लिखवाई है, आप भी लिखा कीजिए क्योंकि आपके लिए हाईलाइट पॉइंट हो जाते हैं ये, है ना। तो हर्माफ्रोडाइट और बाईसेक्सुअल दोनों का एक ही मतलब है। हर्माफ्रोडाइट को बोलेंगे उभयलिंगी और बाईसेक्सुअल को बोलेंगे द्विलिंगी, ऐसे जीव जिनमें नर व मादा जननांग एक ही शरीर में होते हैं, एक ही बॉडी में होते हैं, वो हर्माफ्रोडाइट या बाईसेक्सुअल एनिमल्स कहलाते हैं। अपन कैसे हैं, यूनिसेक्सुअल, एक लिंगी, क्योंकि अपने में क्या है, मेल अलग होते हैं, फीमेल अलग होते हैं, जेंट्स अलग हैं और लेडीज अलग हैं, है ना, दोनों में अलग अलग जननांग होते हैं। तो अपन लोग कैसे हो गए, यूनिसेक्सुअल, और ये हो जाएंगे हर्माफ्रोडाइट या बाईसेक्सुअल। और इनकी जो सिमिट्री है वो कैसी थी, द्विपार्श्व सममिति, यानी कि इनकी बॉडी को किसी एक प्लेन से ही काटा जा सकता है, उसमें भी क्या होगा, इनका जो दायां हिस्सा है बॉडी का और बायां हिस्सा है, वो दोनों बिल्कुल एक जैसे ही होंगे। अपना शरीर भी कैसा है, द्विपार्श्व सममिति वाला है। अगर 20 से अपनी पूरी बॉडी को आधा आधा कर दिया जाए तो जो राइट वाला है पोर्शन और जो लेफ्ट वाला पोर्शन है, वो दोनों एक दूसरे के बिल्कुल समान संरचना में होते हैं, है ना। अब आते हैं इनके जनरल कैरेक्टर्स पर, किस पर, जनरल कैरेक्टर्स, सामान्य लक्षण या विशेषताएं। तो देखिए, इस संघ के जंतुओं का शरीर फीते की तरह चपटा होता है, इसलिए ये चपटे कृमी कहलाते हैं। अब आते हैं इनका शरीर द्विपार्श्व सममिति का, अर्थात दाएं व बाएं भाग की संरचना समान होती है। मैंने भी आपको बताया शरीर त्रिकोणिक परंतु देह गुहा अनुपस्थित होती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक, कैसे होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, अभी तक सिर्फ डिप्लोब्लास्टिक एनिमल थे, अब कैसे हो गए, ट्रिप्लोब्लास्टिक, और सीलोम एब्सेंट होती है, क्या होती, अनुपस्थित होती है। और अधिकांश जीव कैसे होते हैं, परजीवी, पैरासिटिक, जो अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहे हैं वो क्या कहलाते हैं, परजीवी। लेकिन प्लेनेरिया एक स्वतंत्र जीवी होता है, जो एक इसका एग्जाम्पल है, उदाहरण है जीव का, प्लेनेरिया, वो कैसा होता है, स्वतंत्र जीवी होता है, परजीवी नहीं होता है। इनमें पोषक के शरीर से चिपकने के लिए चूसक व कांटे पाए जाते हैं, क्या बताई थी, सकर्स एंड हुक्स, कांटे हैं, कांटों की मदद से ये पोषक के शरीर में चिपक जाएगा और चूसक की सहायता से उससे अपना न्यूट्रिशन ले लेता है। नर व मादा जननांग एक ही जंतु के शरीर में पाए जाते हैं, इसलिए इनको उभयलिंगी या द्विलिंगी कहते हैं। इनके एग्जाम्पल हैं प्लेनेरिया, स्वतंत्र जीवी, लिवर फ्लूक, फीता कृमि और सिस्टोसोमा।
और आज का इनका स्पेशल फीचर्स क्या हो जाएगा, इनमें क्या आ गई है, मीजोडर्मा आ गई है। इस वजह से इनका जो ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो गया है, अभी तक मैंने पढ़ा था सेल्यूलर और टिश्यू लेवल का, है ना, अब इसमें क्या आया है, ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन। और क्या है, माउथ एंड एनस बोथ आर प्रेजेंट। कल मैंने आपको सीलन ट्रेट्स पढ़ाए थे, उनमें क्या पढ़ाया था आपको मैंने, कि इनमें सिर्फ एक सिंगल ओपनिंग होती है, जबकि प्लेटी हेलमेंथीज में आपकी दो ओपनिंग हो जाएंगी, यानी एक माउथ होगा दूसरा आपका एनस होगा। तो ये आज आपके स्पेशल फीचर थे इसके। अब आते हैं आपका अगला फाइलम, एस्के हेलमेंथीज। इसको बोलेंगे गोल क्रमी। इसके जो नेम की इस मीनिंग होती है वो होती है एस्कोस, एस्कोस और हेलमेंथ का मतलब क्या हो जाएगा, बर्म। एस्कोस का मतलब होगा राउंड, राउंड का मतलब होता है गोल। अब देखिए गोल से मतलब क्या हो गया, ये गोल क्रमी कहलाएंगे। अभी आपने पढ़े ये थे चपटे क्रमी, और एस्के हेलमेंथीज में क्या आएंगे, आपके गोल क्रमी। अब देखो गोल क्रमी क्या होते हैं, इनकी बॉडी कैसी होगी, पाइप जैसी, बेलनाकार होगी, राउंड होगी। अब पाइप तो मैं आपको एग्जांपल में नहीं दे रही हूँ, चलो मैं इसको ले रही हूँ, आपका मार्कर है। देखो ये मान लो आपका क्या है, एक एस्के हेलमेंथीज का जीव है, एनिमल है या ऑर्गेनिज्म है। अब आप इसको जब काटेंगे, तो मान लिया मैंने काट दिया, तो आपको जो ये पोर्शन दिख रहा है वो कैसा दिख रहा है, राउंड ही तो दिख रहा है। तो इनका नाम क्या हो गया, गोल क्रमी। और इसमें क्या होते हैं, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म पाई जाती है। अभी मैंने आपको बताई थी कि लैंगिक द्विरूपता क्या होती है ना, तो अब वो किसमें आ जाएगी, एस्के हेलमेंथीज में। इसमें नर व मादा आपके जो होते हैं वो कैसे होते हैं, एक दूसरे से भिन्न होते हैं। उनमें दिखता है कि ये नर है और ये मादा है, यानी कि उसमें क्या होता है, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म पाई जाती है। आपका इसका एक उदाहरण है जो काफ़ी लोग जानते भी होंगे, एस्केरिस। क्या है एस्केरिस, तो जैसा कि मैं आपको पढ़ा रही थी आपका एस्के हेलमेंथीज, इनके नाम का जो मीनिंग होता है वो होता है एस्कोस, यानी कि राउंड, गोल, हेलमेंथ, क्रमी। इनको गोल क्रमी के नाम से जाना जाता है। और इनका एक दूसरा नाम भी है नेमाटोड। नेमाटोड क्यों बोलते हैं, क्योंकि नीमा का अर्थ होता है थ्रेड लाइक, थ्रेड लाइक मतलब धागे नुमा। इनका जो शरीर होता है वो कैसा होता है, लंबा, बेलनाकार और धागे नुमा होता है। और इनके जो इंड होते हैं वो कैसे होते हैं, नुकीले होते हैं। जैसे कि आपका एक इसमें एग्जाम्पल आता है एस्केरिस, तो एस्केरिस आपका कैसा हो जाएगा, ऐसा धागे नुमा, है ना, ऐसा धागे नुमा हो जाएगा, गोल हो जाएगा, और कैसा हो जाएगा, इसके जो इंड होते हैं वो कैसे होते हैं, नुकीले होते हैं, है ना। और अब इनका जो मेन बेस होता है क्लासिफिकेशन का, उस पे आ जाते हैं। तो देखिए आपको पता है कि बेस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या था, नोटोकॉर्ड, जो कि इनमें होगी नहीं क्योंकि अभी तक किसी में भी नहीं है। अब इनमें क्या होगा, सीलोम, सीलोम एब्सेंट होगी, सीलोम एब्सेंट, सीलोम एब्सेंट हो जाएगी, नोटोकार्ड होगी नहीं। अब सिमिट्री पे आते हैं, तो इसकी सिमिट्री कैसी होगी, द्विपार्श्व सममिति, यानी कि सिमिट्री भी हो गई बाइलेटरल, बाइलेटरल सिमिट्री, सिमिट्री हो गई इनकी बाइलेटरल। सीलो है नहीं, और इनका जो बॉडी होगी वो कैसी होगी, ट्रिपलो ब्लास्टिक, कैसी होगी, ट्रिपलो, ट्रिपलो ब्लास्टिक। और इनमें क्या होगा, ऑर्गन लेबल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो आपका प्लेटी हेलमेंथीज में भी होता है, क्या होगा, ऑर्गन लेबल ऑफ
ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये हो गए आपके बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। लेकिन प्लेटी हेलमिंथीज में क्या था, जीव उभयलिंगी था और कैसा था, हर्माफ्रोडाइट, नर मादा जननांग एक ही शरीर में थे, लेकिन इसमें क्या है, अलग अलग होते हैं। तो इनमें क्या और हो गया, इनमें हो गई कि स्पेशल पॉइंट होते हैं, इन्हें नोट कर लीजिएगा, इनमें क्या हो गई, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, यानी कि इसको क्या बोलेंगे, लैंगिक द्विरूपता, द्विरूपता, यानी कि लिंग के तौर पर दो रूप अलग अलग स्पष्ट हो रहे हैं, एक मेल है एक फीमेल है ना, मेल अलग होता है देखने से ही पता चलता है और फीमेल अलग से पता चलती है, तो क्या होगी उसमें, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म होगी, लैंगिक द्विरूपता होगी, है ना। अब इनको राउंड वर्म क्यों कहते हैं, क्योंकि इनकी बॉडी का जब हम सेक्शन काटते हैं तो वो कैसे होते हैं, कुछ इस तरीके के दिखते हैं, इसमें उनके क्या होंगे, ऑर्गन्स होंगे, तो ये हमें कैसे दिख रहे हैं, राउंड दिख रहे हैं, इसलिए हम इनको क्या बोलेंगे, राउंड वर्म, गोल कृमी, और पतले हैं इसलिए नेमाटोड बोलेंगे, क्योंकि कैसे हैं, ये धागे जैसे होते हैं ना, तो इनको बोलेंगे नेमाटोड। अब ये अधिकांश कैसे होते हैं, परजीवी होते हैं, और कुछ कैसे होते हैं, मनुष्य में बीमारियाँ उत्पन्न करते हैं, जैसे कि आपका एक, आपने सुना होगा फील पाँव, हाथी पाँव होना, यानी कि आपका जो पैर होता है उसमें इतनी स्वेलिंग आ जाती है, वो इतना मोटा हो जाता है कि उसको क्या बोलते हैं, हाथी पैर हो गया है, तो वो किससे होता है, फाइलेरियल बर्म से, बाउचर एरिया ब्रैंक ऑफ टाई होता है उसका नाम, और वो इसमें ही आता है, नेमेटोड है वो, एक क्या है आपका, एसके हेलमिंथीज का एक प्राणी है जो क्या करता है, एलिफेंटियासिस, क्या बोलेंगे, एलिफेंटियासिस, यानी कि हाथी पांव या फील पांव भी बोलते हैं, फील पांव, यानी कि ये क्या करते हैं कि आपका जो पैर होता है वो बहुत ज़्यादा सूख जाता है, स्वेलिंग आ जाती है, तो ये मनुष्य में रोग उत्पन्न भी करते हैं, परजीवी होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, सीलोम एब्सेंट होती है, बाइलेटरल सिमिट्री होती है इनकी, और इनमें लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है। तो मैं आपको पढ़ा चुकी थी आपका एसके हेलमिंथीज या गोल कृमी या निमेटोड को बता चुकी थी, अब आते हैं लिख लेते हैं उसका एक क्विक रिवीजन भी कर लेते हैं, रिवाइज भी हो जाएगा और आपके लिखने के लिए नोट्स भी रेडी हो जाएंगे। तो जैसा कि एसके हेलमिंथीज के मीनिंग होती है, क्या होती है, एस्कोस मतलब राउंड, हेलमिंथ मतलब बर्म, यानी कि गोल कृमी, इनकी बॉडी कैसी होती है, राउंड होती है, सिलिंड्रिकल होती है और लॉन्ग होती है, और नीमा का अर्थ होता है थ्रेड लाइक, और कैसी होती है, धागे नुमा होती है। अब आते हैं आपके जो मैंने आज स्पेशल कुछ बॉक्स हैं, इनमें स्पेशल पॉइंट होते हैं जिन्हें आप शॉर्ट नोट बनाकर भी खुद से लिख सकते हैं, या फिर एक रिवाइज करने के लिए क्विक पॉइंट होता है आपका, है ना। मैंने आपको बताया था सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म प्रेजेंट, आपसे पूछा जाए कि सबसे पहले लैंगिक द्विरूपता किन जीवों में पाई गई थी, तो आपका आंसर होगा नेमेटोड्स में या एसके हेलमिंथीज के जीवों में पाई गई थी। आपसे पूछा जाए क्या होती है, तो लैंगिक द्विरूपता का अर्थ होता है नर जननांग तथा मादा जननांग अलग अलग शरीर में होते हैं और उनके शरीर को देखकर ही पहचाना जा सकता है कि ये नर है और ये मादा है। और दूसरा है एलिफेंटियासिस डिजीज इन ह्यूमन, मैंने आपको बताया था कि कुछ एसके हेलमिंथीज ऐसे होते हैं, परजीवी होते हैं और क्या करते हैं, मनुष्य में बीमारियां उत्पन्न करते हैं। तो जो नंबर एक पर आपकी बीमारी आती है वो कौन सी आती है, हाथी पांव, फील पांव या एलिफेंटियासिस, और इनमें सीलोम एब्सेंट होती है,
द्विपार्श्व सममिति होती है और ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। सीलोम अब्सेंट होती है या फिर क्या बोलेंगे स्यूडो सीलोम क्या होती है इनमें कूट देह गुहा। तो ये आपको भी मैं बताऊंगी। पहले आते हैं जनरल कैरेक्टर को। इनका शरीर लंबा, मैंने बताया भी था लंबा, यह है आपका एस्केरिस, लंबा बेलनाकार धागे नुमा दोनों सिरों पर नुकीला होता है। ये त्रिस्तरीय कैसे होंगे, इनकी बॉडी ऐसी होगी एक्टोडर्म इंडोडर्म और बीच की मीजोडर्म है ना। त्रिस्तरीय द्विपार्श्व सममिति वाले प्राणी होते हैं। पाचन तंत्र सुविकसित किंतु अन्य अंग तंत्र कम विकसित होते हैं। देखिए प्लेटी हेलमिंथीज में क्या था, ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन आ गया था, नर जननांग और मादा जननांग बन गए थे, लेकिन वो कैसे थे, परजीवी थे, उनमें हुक्स थे और सकर्स थी है ना, दूसरों से भोजन ले रहे थे, यानी कि उनमें कहीं ना कहीं एलिमेंट्री कैनाल कम विकसित थी है ना, पाचन की क्षमता थोड़ी कम थी। लेकिन इनमें क्या हुआ, एसके हेलमिंथीज में क्या हुआ कि एलिमेंट्री कैनाल सुविकसित हो गई, यानी पाचन तंत्र बहुत अच्छा था। तो इन्हें जरूरी नहीं है कि ये सारे परजीवी हों, ये मोस्टली कैसे भी होते हैं, स्वतंत्र जीवी भी होते हैं जो जल में और मिट्टी में रहते हैं। पाचन तंत्र सुविकसित किंतु अन्य अंग तंत्र कम विकसित होते हैं। देखिए किसी भी बॉडी में धीरे धीरे ही इवोल्यूशन होता है, एकदम से कोई परफेक्ट नहीं हो जाता है। तो क्या होता है इनमें धीरे धीरे, जैसे कि उसमें क्या हुआ था, नर जननांग या मादा जननांग विकसित हुए थे। अब इसमें क्या हुआ, नर और मादा जननांग विकसित तो हैं ही, उसके साथ साथ क्या विकसित हो गया, एलिमेंट्री कैनाल या पाचन तंत्र सुविकसित हो गया। अब जो धीरे धीरे आगे प्राणी आएंगे उनमें और सारे अंग डेवलप्ड हो जाएंगे और ऑर्गन सिस्टम भी बन जाएंगे है ना। शरीर के अगले सिरे पर मुख तथा पिछले सिरे पर एनस, गुदा को क्या बोलते हैं एनस, यानी कि अब इनमें क्या हो रहा है, दो ओपनिंग पाई जा रही हैं, पहली माउथ हो गई और दूसरी एनस हो गई। सीलन ट्रेट्स में क्या था, सिर्फ एक सिंगल ओपनिंग थी जिसको हम क्या बोलते थे माउथ है ना। अधिकांश जीव परजीवी कैसे होते हैं, पैरासिटिक होते हैं, किन कुछ मिट्टी व जल में पाए जाते हैं। अब ये मिट्टी व जल में पाए जा रहे हैं तो कैसे है? ये स्वतंत्र जीवी हैं ठीक है। इनका एग्जाम्पल है एस्केरिस, एस्केरिस को ही बोलते हैं, एस्केरिस का कॉमन नेम है वो है राउंड बर्म गोल क्रमी। दूसरा है आपका फाइलेरियल बर्म, फाइलेरियल बर्म यही है जो आपका क्या करता है एलिफेंटियासिस, इसको बोलते हैं इंग्लिश में फील पाव या हाथी पाँव को क्या बोलते हैं फाइलेरिया, तो इसको बोलेंगे फाइलेरियल बर्म। और एक आपका आता है हुक बर्म, एक आता है पिन बर्म और एक आता है थ्रेड बर्म, सूत्री कृमि या सूत्र कृमि। तो बर्म का मतलब होता है कृमि, तो सब में बर्म लगा है क्योंकि ये क्या है बर्म लाइक इनका बॉडी होता है। अब आते हैं स्पेशल फीचर्स पे, तो स्यूडो सीलोम, इनमें मैंने आपको जिस दिन सीलोम पढ़ाई थी तो मैंने बताया था सीलोमेट ए सीलोमेट और स्यूडो सीलोमेट। ए सीलोमेट जिनमें कोई भी सीलोम नहीं होती उन्हें क्या बोल सकते हैं ए सीलोमेट, और जिनमें ट्रू सीलोम पाई जाती है उनको बोलेंगे सीलोमेट, और जिनमें अब्सेंट नहीं है लेकिन क्या है झूठी है फाल्स है कूट गुहा है तो उसको क्या बोलेंगे स्यूडो सुसीलोम, यानी इनमें क्या होती है स्यूडो सीलोम होती है, ट्रू नहीं होती है फाल्स होती है ठीक है। ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है इनमें, सेक्सेस आर सेपरेटेड, यानी कि इनके जो लिंग होते हैं वो अलग अलग होते हैं। ये कैसे हो गए आपके यूनिसेक्सुअल, कैसे हो गए यूनिसेक्सुअल हो गए आपकी, क्या हो गए यूनिसेक्सुअल हो गए, एक लिंगी प्राणी हो गए आपके है ना। और एलिमेंट्री कैनाल
कंप्लीट होती है, इनकी जो आहार नाल होती है वो कंप्लीट होती है। कंप्लीट क्यों हो रही है, माउथ है और माउथ के बाद क्या है लास्ट में, ओपनिंग है, यानी कि ये खाते भी हैं और क्या करते हैं फिर एक्सक्रीशन भी करते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज आपके दो फाइलम कंप्लीट हुए हैं, आपको दोनों अच्छे से समझ में आएंगे। अगर आपका फिर भी कोई डाउट रहता है तो उसे कमेंट के माध्यम से ज़रूर भेजिएगा, मैं उसका आपको जवाब भी दूंगी और क्लेरिफिकेशन भी दूंगी, है ना।